तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती कोई नई चीज नहीं है। आज से 100 साल पहले जो खेती हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पुरखे किया करते थे, वही है देसी खेती, वही है जैविक खेती, जहां पर हमें केमिकल को ना के बराबर इस्तेमाल करना है। या फिर अगर हम केमिकल की सहायता भी लेते हैं अपनी फसल की पैदावार के लिए, तो जो लिमिटेड है, जो गाइडलाइंस है, उनके अनुसार अगर हम करेंगे, एक लिमिट में अगर हम प्रयोग करेंगे, तो वो ना ही हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु है उनको नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। प्लस अगर हम लोग देखें तो आज मिट्टी की क्वालिटी डाउन है, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। तो जैविक खेती करने का पर्पज एक ये भी है कि जो हमारी मिट्टी में जो पहले केचुए हुआ करते थे, सूक्ष्म जीवाणु हुआ करते थे, वो फिर से हमारी मिट्टी में बढ़ें और हमारी मिट्टी को नेचुरली रिसाइकिल करें, यानी कि जो पोषक तत्वों की मात्रा जो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाते थे वो प्रोसेस अगर फिर से शुरू हो जाएगा तो हमारी फसलें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी और हम हमारी फसलों की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। और जो किसान हैं, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये भविष्य में होना तय है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अभी से करनी पड़ेगी। और कोरोना काल के बाद से लोगों का अगर नजरिया देखा जाए तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। इसके लिए हमारे किसान अवेयर हो रहे हैं और इसके लिए हम भी अवेयर हो रहे हैं कि जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो हम अनाज खा रहे हैं, उनमें केमिकल की मात्रा कम होनी चाहिए। और केमिकल की मात्रा का हम भविष्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम नेचुरल पोषक तत्वों को इस्तेमाल करके हम फसल की पैदावार लेंगे, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ानी है, हमने जाना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास किस लिए जरूरी है। ये हमारी मिट्टी में इन सभी पोषक तत्वों को हम बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, तो इनकी मात्रा को भी हम बढ़ा सकते हैं और इनको बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। ये हमारी मिट्टी में, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। ये हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी, हमारी फसलों का, फूलों का विकास अच्छा होगा, फलों का विकास अच्छा होगा। और हमारे किसान भाई जो खेतों में बहुत ज्यादा आज के टाइम में केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड हैं, वो अपनी डिपेंडेंसी को भी कम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे इसकी सहायता से हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार को ले पाएंगे। हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की अगर हम बात करें तो ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है। और ये प्रोडक्ट मुख्य रूप से काउ यूरिन, एलोवेरा, नीम, आमला और हिमालयन बेरी से मिल करके बनाए। जो ये स्रोत इसमें डाले गए हैं, जो इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो प्रकृति से ही लिया गया है और इसका किसी भी तरह से हमारी फसलों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के विकास के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी होते हैं मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, ठीक उसी प्रकार से हमारी फसलों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मिनरल्स, विटामिन, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारी फसलों को हम दे करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और साथ ही साथ हमारी फसलों को हम सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो हम जानेंगे इसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट है वो कैसे हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाएंगे और हमारी फसलों में विकास में कैसे बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं, एलोवेरा की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट फूड होता है, मतलब ये हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व तो देने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। ये हमारी फसलों को सारे तरह के कंप्लीट फूड देगा। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, ये एंटीबैक्टीरियल होता है,
एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक होता है तो हमारी फसलों में जो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। और अगर हम इनकी बात करें तो ये डबल पावर यहां पर दे रहा है हमारी फसलों को, डबल तरह से हमारी फसलों को फायदा पहुंचा रहा है। एक तो हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी दे रहा है, साथ ही साथ ये हमारी फसलों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको बचा भी रहा है। सेकेंड, अगर हम इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें लेह बेरी, हिमालयन बेरी का इसमें हिमालयन बेरी को शामिल किया गया है और इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? अगर हम लोग देखें खासकर इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में होता क्या है कि जो ज्यादातर लताएं वाली फसलें होती हैं उनमें बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स आती है, मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी की वजह से, फूल का गिरना, फलों का गिरना, फलों का सही तरह से विकास ना हो पाना। तो यहाँ पर लेह बेरी जो है वो फूलों के गिरने में मदद, जो फूल गिरते हैं उनको रोकेगा, जो फल गिरते हैं उनको रोकेगा, साथ ही साथ फलों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करेगा। थर्ड इसमें डाला गया है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो नीम जो है वो हमारी फसलों में एज ए बायो पेस्टिसाइड, यानी कि कीड़ों मकोड़ों को रोकने के लिए, या हम अगर कहें तो ये हमारे पौधों की क्षमता को बढ़ाता है जिससे हमारी फसलें जो है कीड़ों मकोड़ों से वो अपनी बचाव कर सके। तो अगर हम देखें तो सफेद मक्खियां हैं, भृंग है, एफिड है, झींगा है, चींटियां हैं, मिलीबग है, इन सभी तरह से हमारी जो फसलें हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी, हमारी फसलों को बचाने में मदद करेगा जिससे हमारी फसल की पैदावार बेहतर होगी। ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल भी होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हमारी फसलों को बचाने में मदद करता है। अगर हम लोग देखें तो हमारी फसलों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे प्रोडक्ट में ये एडेड है जिससे हम अपनी फसलों को, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट का शामिल किया गया है वो है आंवला, जो हमारी फसलों को विटामिन सी देता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम को, साथ ही साथ हमारे फसलों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। प्लस ये हमारी फसलों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है जिससे हमारी फसल बेहतर होती है। तो यहां पर आंवला जो है वो हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम, हमारी फसलों का भी एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, तो ये उसको भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। इसमें जो पांचवा इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है ये हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो गौमूत्र है, ये गौमूत्र की अगर हम बात करें तो किसान इसको हजारों सालों से अपने खेतों में किसी ना किसी रूप में डालता आ रहा है। हजारों सालों से इसको किसी ना किसी रूप में किसान अपने खेतों में डाल रहा है गोबर की खाद के साथ। वैसे भी किसान इसको डालता था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से ये नहीं जा रहा है क्योंकि पशु ही नहीं है लोगों के पास। गौमूत्र जो होता है वो बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक पोषक तत्वों का स्रोत होता है। यहां पर अगर हम देखें तो यह हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सारे तरह के पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में देने में मदद करता है। तो हमने शुरुआत में भी जाना था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमारी फसलों के लिए एक मेजर पोषक तत्व है, इसकी हमारे फसलों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ये हमारे फसलों को अधिक मात्रा में चाहिए। तो यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से, हम अपनी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक सही मात्रा में दे करके हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी फसल को बेहतर कर सकते हैं। तो आपने जाना भी कि नाइट्रोजन क्या काम करता है, फास्फोरस क्या काम करता है, सोडियम हमारी फसलों के लिए क्यों आवश्यक होता है, और अगर इसकी कमी होती है तो यह हमारे फसलों में किस तरह के लक्षण प्रकट करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अगर हमारी फसलों को सही रूप में, सही मात्रा में अगर हमारी फसलों को हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से मिलता रहेगा, गौमूत्र की सहायता से मिलता रहेगा, तो हमारी फसलों में पीलापन नहीं आएगा, हमारी फसलें हरी भरी होंगी और वो सूर्य के रोशनी के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अच्छे तरह से विकास करके फसलों के पैदावार के
को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। यहां पर अगर हम सोडियम कैल्शियम की बात करें तो हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनको ये पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये पोषक तत्व हमारे इस फसल को, हमारे जो जो किसान भाई हैं उनकी अपनी फसलों को हम गौमूत्र की सहायता से बहुत सारे नेचुरल पोषक तत्वों को दे करके उनकी फसल की पैदावार को हम बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि हमारा जो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर है ये एलोवेरा, लेहबेरी, नीम, आंवला और गोमूत्र से मिलकर के बना है, जो हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ ये फसलों को तो पोषक तत्व तो देगा ही देगा, प्लस ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा क्या है आज के टाइम में, जो हमारी मिट्टी है वो सबसे ज्यादा बीमार है। और अगर हम लोग देखें, हम कोई भी किसान अगर कोई भी चीजें खेतों में डालता है तो वो सारी चीजें मिट्टी में ही होती हैं, मिट्टी में ही बीज लगाया जाता है, मिट्टी में ही पोषक तत्वों को डाला जाता है, मिट्टी में ही सिंचाई की जाती है, सारे काम किसान मिट्टी में ही करता है। तो हमारी मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस प्रोडक्ट का हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं मिट्टी, तो हमारी ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। जो हमारी मिट्टी है उसका जो पीएच वैल्यू है उसको संतुलित करने में मदद करेगा। यहाँ पर गौमूत्र जो है वो हमारे मिट्टी के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाने में मदद करता है। मतलब हमारी मिट्टी में जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल की मात्रा को प्रयोग करते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो गौमूत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे प्रोडक्ट की जो जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है और हमारे किसानों को ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व देगा, हमारी जो मिट्टी है उसके पीएच को बैलेंस करेगा, प्लस हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मिट्टी है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट का हमारे जो किसान भाई हैं वो हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की फसल अगर वो लगाते हैं, अगर वो सब्जियों की फसलें लगाते हैं, वो बागवानी की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, जो दलहन की फसलें हैं गन्ना है, या फिर अभी जो आने वाली फसल जो धान की फसल है उसके लिए, हम सभी तरह की फसलों में इसको प्रयोग करके फसल क्या अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं, फूलों के विकास में, फलों के विकास में, साथ ही साथ फलों में शाइनिंग लाने में मदद कर सकते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रयोग करना है और हमारे जो किसान भाई हैं इस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रयोग करें कि वो अपने खेतों में अधिक से अधिक फसल की पैदावार को भी ले सकें और ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सके। तो आइए जानते हैं इसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको हमें मुख्य रूप से तीन तरह से खेतों में इस्तेमाल करना है, तीन तरह से। एक तो हमें इस प्रोडक्ट को मिट्टी के उपचार में करना है, दूसरा हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है बीज के उपचार में, और तीसरा इस प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना है छिड़काव के रूप में। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को हम मिट्टी के उपचार के रूप में, बीज के उपचार के रूप में और साथ ही साथ इसको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी अच्छी फसल की पैदावार को ले सकते हैं। तो यहां पर हम जानेंगे पहला इस्तेमाल करने का तरीका जिसको हम बीज का उपचार बोलते हैं। बीज का उपचार करने का मतलब यहां पर यह है कि हमें हमारे हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की आधा लीटर की बॉटल को जुताई से पहले, जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद हमें इसको मिट्टी में डालना है। और हमारा पर्पस यह है मिट्टी में डालने का कि हमारी मिट्टी को भी पोषक तत्व तो चाहिए। तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे, जो हमारी मिट्टी लगातार बीमार हो रही है उसको हम स्वस्थ करने में मदद करेंगे। तो हमें क्या करना है, आधा लीटर की बोतल को लेना है, आधा लीटर की बोतल को एक एकड़ के खेत में डालना है, जुताई से पहले, जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद। तो हमें करना क्या होगा, 50 से लेकर के 60 किलो तक गोबर की खाद लेनी है, उसमें हम आधा लीटर की बोतल को मिक्स करेंगे और खेतों में बिखेर देंगे। तो ये मिट्टी में पहुंचेगा, हमारी मिट्टी में
उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। जब हमारी मिट्टी को पोषक तत्व तो मिलेंगे तो उपजाऊपन भी बढ़ेगा और सूक्ष्म जीवाणु भी बढ़ेंगे। प्लस हमारी मिट्टी में जो डिजीज फैक्टर है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनको कंट्रोल करेगा। प्लस हमारी मिट्टी में जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल का प्रयोग करते जा रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो यहां पर हम इस तरह से अपनी फसलों में मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने खेतों में हर एक फसल में सीजन से पहले, सीजन के शुरुआत में ही आधा लीटर की बोतल को एक एकड़ के खेत में मिट्टी में जरूर से जरूर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करें। दूसरा जो है इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं बीज का उपचार। तो बीज का उपचार करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें 1 किलो का बीज लेना है, किसी भी तरह का बीज हो, तो उसमें हम 2 से लेकर 5 ml तक हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और उसको हम बिजाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बिजाई करने से 2-4 घंटे पहले हमें इसको करना है, या अगर हम थोड़ी देर पहले भी कर सकते हैं। और फिर बीज को हमें छायादार स्थान पर सुखाना है और उसके बाद उसको बीज को बुआई कर देना है। तो इससे फायदा क्या होता है बीज का अंकुरण से, बीज का अंकुरण अच्छा होता है और बीज में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगता है। तो बीज का उपचार और मिट्टी का उपचार, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती हैं। अगर हमारे किसान भाई सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट, अगर ये दोनों काम करते हैं, ये दोनों चीजों को अगर वो फॉलो करते हैं, तो हमारी फसलों में 60% तक की प्रॉब्लम पहले ही दूर हो जाती है। और तीसरा इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि इसको हम छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करें। तो अभी देखेंगे कि जैसे अभी फसलें अगर किसान लगाता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एरिया में अगर हम लोग देखें तो सब्जियां की फसलें हैं, बहुत सारे एरिया में मूंग की फसल है, मक्के की फसल अभी खड़ी है, प्लस पिपरमिंट की अगर हम बात करें, जिसको हम मेंथा बोलते हैं, उसकी भी फसल है, तो प्लस सब्जियों की फसल है। तो अगर किसान अभी चाहता है तो इस प्रोडक्ट को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो स्प्रे करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है और 15 लीटर की टंकी में हमें 30 ml हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है, 25 से लेकर 30 ml, और साथ ही साथ उसमें हमें हमारा एग्रो एक्टिवेटर भी इस्तेमाल करना है 5 ml, और दोनों को मिक्स करके हमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से फायदा क्या होगा कि हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे हमारी फसल का विकास अच्छा होगा। साथ ही साथ ही हमारी फसलों पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो इस तरह के डिजीज को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। अगर किसान चाहता है कि उसकी फसल बेहतर हो, तो वो 20 से 25 दिन के बाद इसको रिपीट फिर से छिड़काव कर सकता है, जिससे उसकी फसल को सारे तरह के पोषक तत्व समय समय पर मिलते रहे और साथ ही साथ उसकी फसल को भी प्रोटेक्शन मिले, जिससे उसकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद कर सके। तो फूल, अगर फूल आने वाला है तो उस समय पर भी इसको छिड़काव किया जा सकता है, और फल धारण अगर किसान फसलें अगर करती हैं तो उस समय पर छिड़काव करके किसान फसलों में शाइनिंग ला सकते हैं, फलों में शाइनिंग ला सकते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो यहां पर हमने जाना हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपनी फसलों को और मिट्टी को नेचुरल प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व दे करके अपनी फसलों का विकास कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी फसल है, जो हमारी मिट्टी है, उसको भी स्वस्थ रखने में मदद कर